हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी, उसका प्रिपरेशन मेथड और एज वेल एज मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया था। नाउ अब हम चलते हैं चैप्टर के नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, ईथर। ठीक है, तो अब हम समझेंगे बच्चों ईथर के बारे में। ईथर आपका होता क्या बच्चों? ठीक है, ईथर एंड इपोक्साइड। ठीक है, ईथर एंड इपोक्साइड। ठीक है, इपोक्साइड का प्रिपरेशन मेथड हम अभी नहीं सीखेंगे। इपोक्साइड का केवल और केवल हमको केवल केमिकल प्रॉपर्टी से मतलब है कि किस तरीके से इपोक्साइड आपका केमिकल प्रॉपर्टी को शो करेगा। प्रिपरेशन मेथड आप वहीं पर आपको मैं समझा दूंगा बच्चों इसका। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर। प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन मेथड जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको डिहाइड्रेशन के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था बच्चों? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो देख लेते हैं यहाँ पर पहला प्रिपरेशन मेथड बच्चों, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल का जब हम डिहाइड्रेशन कराएंगे तो यहां पर आपका क्या होगा बच्चों? यहां पर आपका ईथर का भी फॉर्मेशन होगा एज वेल एज एल्किन का भी होगा। मैंने आपको बताया था, देखो एज एग्जांपल मैंने आपको ऐसा बताया था CH3CH2OH। अगर मैंने इसका डिहाइड्रेशन कराया कॉन्सेंट्रेटेड एच प्लस के प्रेजेंट में 443 केल्विन टेम्परेचर पे, और अगर मैंने इसका 413 केल्विन टेम्परेचर पे अगर मैंने इसका डिहाइड्रेशन कराया तो यहां पर आपका ईथर का फॉर्मेशन होता है। यहां पर आपका किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों? ईथर का। ध्यान देना, ये यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, ध्यान से समझना। यहां पर आपको क्या मेंटेन करना पड़ेगा बच्चों? टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात की तो यहां पर आपका एल्किन बनेगा, जो कि मैंने आपको समझा दिया था। यहां पर जो एल्किन बना है बच्चों वो आपका किससे बना है बच्चों? एलिमिनेशन रिएक्शन से। किससे बना है बच्चों? यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन से। इसके बारे में मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव वे में आपको पहले बता दिया है। अब यहाँ पर ईथर जो बना है वो आपका किससे बना है बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। अब हम समझते हैं बच्चों इसका मैकेनिज्म आपका किस तरीके से होगा। एक्चुअली में जो इसका रिएक्शन है वो क्या है बच्चों? इसका रिएक्शन आपका क्या है एक्चुअली में, ध्यान से समझेंगे। 2 मोल ऑफ CH3CH2OH, मतलब 2 मोल ऑफ अल्कोहल। कितने बच्चों? 2 मोल ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल की रिएक्शन अगर मैंने टेम्परेचर कंट्रोल करते हुए इसका डिहाइड्रेशन कराया H2SO4 या फिर H3PO4 के प्रेजेंस में अगर मैंने इसका डिहाइड्रेशन कराया तो यहां पर आपका क्या होगा बच्चों? यहां पर आपका ईथर का फॉर्मेशन होगा। यहां पर आपका किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों? ईथर का फॉर्मेशन होगा। देखो इस रिएक्शन के लिए मैं मैकेनिज्म को किस तरीके से लिखूंगा, समझते बच्चों अब हम मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म आपका कैसे होगा ध्यान से समझेंगे। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले ध्यान से देखो, ये मेरे पास फर्स्ट मोल ऑफ एल्कोहल। ठीक है, फर्स्ट मोल ऑफ एल्कोहल को रिएक्ट मैंने किससे कराया? एच प्लस के साथ। तो यहां पर आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन सा है बच्चों? ओ, और H प्लस आपका क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। हमेशा ध्यान देना, न्यूक्लियोफाइल को आपको इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैच करना है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये आपका इस तरफ अटैक करेगा, जब ये यहां अगर आपका अटैक करेगा तो यहां पर क्या बना लेगा? CH3CH2OH, यहां पर H, ये आपका प्लस बना लिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी रिएक्शन है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा बच्चों? नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा समझते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आपका काफी इंपॉर्टेंट है इसका बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे नेक्स्ट स्टेप इसका। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आपका क्या होगा देखते हैं। देखो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में आपका सेकंड मोल ऑफ ये, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पर इसको? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब यहां से ये अगर बाहर निकलेगा तो क्या होगा बच्चों? यहाँ पर समझते हैं, CH3CH2O+H H। अब ये आपका यहां अटैक करेगा और यहां से ये आपका बाहर निकलेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों? ध्यान से समझेंगे, CH3CH2OH+ और यहां पर CH3CH2
CH3। अब यहां से आपका H प्लस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या बन गया बच्चों, ईथर का फॉर्मेशन हो गया। इस तरीके से आपका किसका फॉर्मेशन होगा, ईथर का फॉर्मेशन होगा। यहां पर क्या हुआ बच्चों, यहां पर बैक साइड अटैक हुआ, बैक साइड अटैक हुआ, ठीक है। और बैक साइड अटैक हुआ इसका मतलब यहां पर क्या हुआ बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफाइल आपका बैक साइड अटैक किया, इसका मतलब यहां पर आपका कौन सा फिनोमिना चला बच्चों, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ये वाली रिएक्शन प्रोसीड हुई, ठीक है। अब ध्यान से समझना, दिस रिएक्शन ओनली एप्लीकेबल फॉर दिस रिएक्शन ओनली एप्लीकेबल फॉर 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। जो भी आपका कौन से अमाउंट में होना चाहिए बच्चों, एक्सेस अमाउंट में, ठीक है। अगर बेटा यहां पर मैंने 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया, क्या ले लिया बच्चों, 2 डिग्री या फिर मैंने यहां पर 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया, तो क्या होगा समझते। देखो अगर मैंने यहां पर 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया तो क्या होगा, देखो अगर मैंने यहां पर CH3CH CH2OH 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया H प्लस के प्रेजेंस में, तो यहां पर मैंने CH3CH CH3OH, तो ये आपका एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, ठीक है, एज वेल एज अ बेस की तरह बिहेव करेगा। और यहां पर आपका एलिमिनेशन रिएक्शन आपका प्रोग्रेस कर जाएगा। यहां पर आपका कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा बच्चों, मेजर बन जाएगा। और साथ में आपका क्या बनेगा, CH3CH CH3, यहां पर ओ, ठीक है, यहां पर CH, ठीक है, यहां पर ओ, यहां पर CH CH3, और यहां पर आपका CH3। इस तरीके से ईथर बनेगा, लेकिन जो वो आपके कौन से अमाउंट में होगा बच्चों, माइनर अमाउंट में। तो ध्यान देना, इफ वी विल टेक 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, देन मेजर प्रोडक्ट विल बी बीटा एलिमिनेशन प्रोडक्ट। आपका मेजर प्रोडक्ट आपका क्या होगा बच्चों, बीटा एलिमिनेशन प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर मैंने 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल लिया, देखो 2 डिग्री अल्कोहल में तो ये आपका मेजर होगा, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल में तो केवल और केवल आपका एलिमिनेशन प्रोडक्ट ही बनेगा। केवल और केवल आपका कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, मेजर एलिमिनेशन। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से हम यहाँ पर ईथर का प्रिपरेशन कर सकते, इस तरीके से हम यहाँ पर आपका ईथर का प्रिपरेशन कर सकते। अब इसका दूसरा मेथड अब हम समझते हैं बच्चों, ईथर का प्रिपरेशन मेथड बच्चों आपने मैक्सिमम पढ़ चुके हो, ठीक है। अब दूसरा प्रिपरेशन मेथड अब हम समझते हैं बच्चों, यहां पर बाय एल्कीन, ठीक है, बाय एल्कीन। देखो यहां पर सेकंड प्रिपरेशन मेथड बाय एल्कीन। अब देखो एल्कीन के थ्रू हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर मैंने CH3CH डबल बॉन्ड CH2 लिया। अब यहां पर मैंने H2O लिया था, तो H2O के साथ मैं क्या कराता था बच्चों, यहां पर H प्लस और H2O लिया था बच्चों मैंने, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ अटैक करती थी, ठीक है। इसी के हिसाब से एग्जाम्पल समझना, तो यहाँ पर क्या बनता था, CH3C+, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका H2O का न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, तो H2O का न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता था, नाउ आपका क्या बनता था, CH3COH, यहाँ प्लस यहाँ CH3, नाउ आपका ये बाहर निकलता था, तो यहाँ पर क्या बनता था, CH3CHOH और यहाँ पर CH3। सिमिलरली अगर मैं इफ इफ वी रिप्लेस रिप्लेस H2O बाय CH3OH, अगर मैं H2O को रिप्लेस कर दूं, वी रिप्लेस H2O बाय CH3OH, मतलब H2O को मैंने CH3OH से अगर मैंने रिप्लेस कर दिया, मतलब इसको मैंने चेंज कर दिया, तो क्या होगा रिएक्शन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, H प्लस, ये यहां अटैक करेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, CH3CH+, यहां पर CH3। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा, काफी इजी है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों,
CH3OH आपका एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये आपका यहाँ अटैक कर जाएगा। अब ये आपका यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3CHO CH3H और यहाँ पर आपका CH3। अब यहाँ पर आपको प्लस साइन, ये आपका बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या बन गया बच्चों, देखो CH O CH3 और यहाँ पर आपका CH3, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आपका ईथर। ये आपका कौन सा कंपाउंड हो जाएगा बच्चों, ईथर। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अब देखो दोनों रिएक्शन में सिमिलरिटी आपकी क्या है बच्चों, यहाँ पर आपका कार्बोकेटायन एज ए इंटरमीडिएट बना होगा, ठीक है, कार्बोकेटायन एज ए इंटरमीडिएट आपका बनता था यहाँ पर, यहाँ पर भी आपका क्या बनेगा, कार्बोकेटायन एज अ इंटरमीडिएट बनेगा। अब देखो कार्बोकेटायन अगर आपका एज अ इंटरमीडिएट बनेगा, इसका मतलब रीअरेंजमेंट इन दिस रिएक्शन, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, रीअरेंजमेंट आपका क्या होगा बच्चों, पॉसिबल हो सकता है। आई होप सो कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको रीअरेंजमेंट भी कराना है। रीअरेंजमेंट का कांसेप्ट मैंने काफी हद तक आपको बताया है। अभी हम देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी का, इसका एक और एग्जाम्पल अब हम देखते हैं। यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, वही पुरानी बातें अब आपकी रिपीट हो रही है बच्चों, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने एक और लिया, देखो CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन अगर मैंने एच प्लस और CH3OH के साथ कराया, मतलब मैंने क्या किया, H2O को किससे रिप्लेस कर दिया बच्चों, CH3OH के साथ। नाउ अब क्या होगा बच्चों, यहां पर ध्यान से समझेंगे, अब देखो ध्यान से समझेंगे तो यहां पर आपका क्या होगा, ये आपका यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, यहां पर क्या बना लेगा बच्चों, CH3 C CH3, यहां पर CH+, यहां पर आपका क्या आ जाएगा, CH3। नाउ अब यहां पर क्या बना बच्चों, कार्बोकेटायन बना है, जो कि आपका क्या है, इंटरमीडिएट है। सो इट कैन रीअरेंज, ये आपका क्या हो सकता है बच्चों, रीअरेंजमेंट आपका होगा यहाँ पर। रीअरेंजमेंट किस तरीके से होगा बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्बोकेटायन आपका क्या है बच्चों, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, यहाँ पर आपका कार्बोकेटायन क्या है बच्चों, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन आपका, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ मूव करेगा, ये यहाँ मूव करेगा, तो रीअरेंजमेंट स्टेप कौन सा होगा बच्चों, यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्टिंग। अब रीअरेंजमेंट हम किस तरीके से निकालेंगे, बाय माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड के थ्रू। अगर मैं माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड के थ्रू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, CH3 यहाँ पर कार्बोकेटायन, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3। नाउ अगला अटैक मैंने अगर CH3OH का किया तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ अटैक करेगा। नाउ अब आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर CH3 CH2 CH3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, OCH3H, यहाँ पर प्लस साइन। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, वही स्टेप आपको रिपीट करनी है बच्चों, बस वही सारी चीजें आएगी बच्चों जो आपने पढ़ा हुआ होगा, बस उसी को आपको यहाँ पर रिवीजन ही होने वाला है बच्चों। आप पूरे पूरे आपके चैप्टर में अब आपका रिवीजन ही होगा, केवल और केवल एल्डिहाइड और कीटोन में कुछ नया पढ़ने को मिलेगा, बाकी सब में रिवीजन ही आपको होने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, CH3 CCH3 OCH3, यहाँ पर आपका CH2 CH3, ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों, आपका ईथर कंपाउंड बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, ईथर कंपाउंड। आई होप सो कि आपको प्रिपरेशन मेथड फर्स्ट वाला किस तरीके से होता है और सेकंड वाले में एल्किन में हम इसको किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ अब हम नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड की ओर मूव करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट आपका प्रिपरेशन मेथड, आप लोग जानते होंगे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर थर्ड प्रिपरेशन मेथड, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसके लिए आप लोग रिएजेंट क्या यूज करते थे बच्चों, रिएजेंट यहां पर आप लोग क्या यूज करते थे, HgOAC2, और साथ में क्या लेते थे वहां पर हम, H2O, लेकिन यहां पर हम क्या लेंगे बच्चों, CH3OH। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, H2O का काम कौन करेगा, CH3OH, सिमिलर वर्क इसकी तरह, ठीक है। तो यहां पर ये आपका दोनों रिएजेंट क्या करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी ऑक्सी मर्क्यूरेशन, ठीक है, ये आपका ऑक्सी मर्क्यूरेशन होगा। एल्कोक्सी मतलब एल्कोक्सी ग्रुप जाके आपका जुड़ने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट रिएजेंट क्या होगा बच्चों, NaBH4, जो कि आपका क्या करेगा बच्चों, डी ऑक्सी मर्क्यूरेशन, क्या करेगा, डी मर्क्यूरेशन, मतलब मर्करी ग्रुप को हटाएगा,
ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो रिएक्शन होती थी वो आपका कैसा होता था बच्चों, मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट होता था उसको हम क्या बोलते थे बच्चों, मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट, मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट विदाउट रीअरेंजमेंट। मतलब क्या, विदाउट रीअरेंजमेंट, मतलब यहां पर आपका रीअरेंजमेंट नहीं होता था। विदाउट रीअरेंजमेंट, बिना रीअरेंजमेंट के आपका प्रोडक्ट बनता था। क्यों बनता था बच्चों, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ नॉन क्लासिकल कैटायन। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों इसमें किस तरीके से हम इसको डील करेंगे। ठीक है, यहां पर अब हम इसको किस तरीके से डील करेंगे इसको देखते हैं बच्चों। देखो यहां पर इसको किस तरीके से हमको डील करना है। देखो यहां पर अगर मैंने एल्कीन ले लिया, देखो ये वाला एल्कीन मैं ले लेता हूँ एज एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले HGOAC के साथ अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा, ठीक है, तो देखो ये यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल में जाएगा, ये आपका बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा बच्चों, CH2, ये आपका इस तरीके से HGOAC, मतलब साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन बना लेगा, साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन बना लेगा। अब यहां पर बॉन्ड आपका कहां से टूटेगा, जहां पर कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, ये वाला बॉन्ड अगर आपका टूटेगा तो यहां पर आपका कार्बोकेटाइन बनेगा। अब अगले स्टेप में क्या होता था बच्चों, CH3OH, ये न्यूक्लियोफाइल आपका यहां अटैक करेगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, CH3CHOH CH3, और यहां पर प्लस साइन, और यहां पर CH2HGOAC। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी कंसेप्ट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप में ये एच बाहर निकलता था दोस्तों, और यहां पर क्या बनता था बच्चों, CH3CHOCH3, यहां पर आपका CH2HGOAC बनेगा। ठीक है, नाउ अब मैं इसका डीऑक्सीमर्क्यूरेशन, दिस स्टेप इज कॉल्ड एल्कोक्सीमर्क्यूरेशन स्टेप। ठीक है, सेकेंड जो इसका स्टेप होगा वो आपका क्या होगा, डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर डीमर्क्यूरेशन हम किसके प्रेजेंस में कराएंगे बच्चों, सिमिलर वही वही बातें मैं आपके रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, बस आपको समझना है। ये वाला बॉन्ड आपका हाईली पोलराइज होता है, हाईली पोलराइज्ड होगा। अगर ये वाला बॉन्ड अगर आपका हाईली पोलराइज होगा तो NaBH4 की प्रेजेंस में यहां से एच आएगा और ये वाला बॉन्ड आपका बाहर निकलेगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, CH3CHOCH3, यहां पर आपका क्या बन जाएगा, CH3। नाउ ये जो आप कंपाउंड बनाया वो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, अब ईथर। तो यहां पर हमने तीन मेथड पढ़े, कौन कौन से बच्चों एक बार देख लेते। पहला तो हमने पढ़ा है सिंपल, आपका मतलब एल्कोहल को एक्सेस अमाउंट में लेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल को जब भी हम एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो इस तरीके से हम इसको प्रिपेयर करेंगे। ध्यान रखना उसमें टेम्परेचर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, 413 केल्विन अगर आएगा, कितना आएगा बच्चों, 413 केल्विन, या फिर आपको क्या लिखा हुआ आना चाहिए, 140 डिग्री सेल्सियस। कितना बच्चों, 140 डिग्री सेल्सियस, 122 140 डिग्री अगर सेल्सियस लिखा हुआ आएगा तो आपको रिएक्शन इसी तरीके से उसमें उसी तरीके से प्रोग्रेस करना पड़ेगा। देन रिएक्शन आपने H2O का एडिशन कराया था इन एल्कीन, वहां पर H2O सॉल्वेंट हटा के अगर आप CH3OH सॉल्वेंट लगाओगे तो वो आपका एक्ट करेगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। देन आफ्टर मैंने जहां जहां, बस मैंने क्या किया बच्चों, इन तीनों मेथड में जहां जहां मेरा H2O था उसको मैंने एल्कोहल से रिप्लेस कर दिया और अपने आप आपका क्या बन गया बच्चों, प्रोडक्ट बन गया। आई होप सो कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, काफी इजी कंसेप्ट है बच्चों, अगर एक दो बार ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर, बाय डाई एजो मेथेन, मतलब डाई एजो मेथेन के प्रेजेंस में हम किस तरीके से रिएक्शन करेंगे देखते बच्चों, काफी इजी कंसेप्ट है, देख लेते, काफी इजी है। देखो ध्यान से समझेंगे बच्चों, डाई एजो मेथेन के प्रेजेंस में हम किस तरीके से रिएक्शन करेंगे। देखो यहां पर मैंने CH3CH2OH लिया, एल्कोहल लिया। अब देखो यहां पर मैं अगर CH2N2 लूंगा, ठीक है, डाई एजो मेथेन, इसको क्या बोलेंगे, डाई एजो मेथेन, CH2N2 लूंगा, तो यहां पर आपका क्या होगा,
HBF4 भी लिखा हुआ मिल सकता है या फिर BF3 भी मिल सकता है आपको, लुईस एसिड। ठीक है, लुईस एसिड BF3 के प्रेजेंस में ये क्या बना लेता है बच्चों आपका, CH3 CH2O CH3। ठीक है, ये भी आपका ईथर का फॉर्मेशन करेगा। अब हम इसकी मैकेनिज्म को ध्यान से समझते कि क्या होगा। ठीक है, काफी इजी कंसेप्ट है, एक दो बार ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप लोग यहाँ पर अभी आप इसकी मैकेनिज्म को अप्रोच कर सकते हो। आई होप सो कि आप लोग एक बार देखो इसके मैकेनिज्म को अप्रोच करने की कोशिश करो, तो मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो वीडियो को पॉज करके आप लोग एक बार मैकेनिज्म को अप्रोच करने की कोशिश करो। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर CH3 CH2, ठीक है, OH। अब देखो यहाँ पर मैंने BF3 लिया, BF3 के पास क्या होता है बच्चों, वैकेंट ऑर्बिटल, ये न्यूक्लियोफाइल है। वही मैंने कंसेप्ट ला रहा हूँ बच्चों, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर रहा हूँ और फाइनली मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ। एक ही कंसेप्ट आपको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगने वाला है। देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 CH2 OH, यहाँ पर BF3, ये आपका माइनस और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों आप प्लस। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पर CH2 ये आपका इस तरीके से होगा, ये एन प्लस। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन। ठीक है, नहीं आया समझ में, नहीं आया तो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर अगर मैंने इसको इस तरीके से बनाया होता तो क्या ये सही होता, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, CH2- सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड एंड प्लस। ठीक है, आई होप सो कि अब आपको पक्का समझ में आ गया होगा। इसी को तो बोलते हैं हम एजो बेटा, इसी को तो बोलते हैं एजो। तो यही आपका कंपाउंड है। ठीक है, ये आपका इस तरीके से फॉर्म होता है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना। अब देखो ये आपका एजो कंपाउंड है। अब क्या होगा बच्चों कि यहां से एच निकलेगा, वो इसको मिलेगा। ठीक है, अब जैसे ही एच इसको मिलेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, CH3 CH2 O, यहां पर BF3 और यहां पर माइनस साइन। ठीक है, यहां पर माइनस साइन। नाउ अब क्या होगा बच्चों, यहां पर CH3 N ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बताया था N2+ इज गुड लिविंग ग्रुप, ये आपका बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बहुत ही अच्छा शानदार लिविंग ग्रुप होता है। देखो ये वाला बॉन्ड अगर आपको यहाँ खुलेगा तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल बनेगा, ये आपका एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। ठीक है, ध्यान से समझना, N2O+ आपका एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। ठीक है, अब देखो ये वाला बॉन्ड अगर यहाँ खुलेगा तो यहाँ से आपका BF3 रिमूव हो गया, BF3 यहाँ से आपका क्या हो जाएगा बच्चों, रिमूव हो जाएगा ऐसा का ऐसा, और यहां से कौन बाहर निकलेगा, N2 गैस बाहर निकलेगा और ये आपका न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक कर जाएगा। तो यहां पर क्या बन गया बच्चों, CH3 CH2 OCH3। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। ये रिएक्शन भी आपकी किसकी तरह प्रोसीड होगी बच्चों, ये रिएक्शन भी आपका SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड होगा बच्चों। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, काफी ज्यादा टिपिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर आप एक दो बार ध्यान दोगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैंने एक और कॉन्सेप्ट आपको बता सकते हैं, यहाँ पर HBF4 भी आपको भी मिल सकता है। ध्यान रखना HBF4, HBF4 का नाम क्या होगा बच्चों, टेट्रा फ्लोरो बोरिक एसिड। HBF4 का नाम ध्यान रखो बच्चों, HBF4 भी अगर इसके प्रेजेंस में होगा तो यहाँ पर HBF4, ठीक है, को मैंने हीट किया तो मुझे क्या मिला, HF और BF3। तो वही BF3 मैंने यहाँ यूज किया, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, टेट्रा फ्लोरो बोरिक एसिड, इसका नाम ये होगा बच्चों। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो अभी हम आगे के नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं बच्चों, रिएक्शन नंबर 5। तो बच्चों अब हम देखते हैं रिएक्शन नंबर 5, जो कि आप जानते होंगे, विलियमसन ईथर सिंथेसाइसिस रिएक्शन। आई होप सो कि आपको ये अच्छे से आता होगा, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ बच्चों। ठीक है, विलियमसन ईथर सिंथेसाइसिस रिएक्शन। देखो बच्चों जो मैंने पहले बताया या मैंने अभी बताया, दोनों के बताने में डिफरेंस हो सकता है लेकिन आपका तरीका एक ही होगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है बच्चों, देखो सबसे पहला ROH अगर किसी सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, मैंने आपको बताया ये चीज, यहां पर क्या बनाएगा, RO-Na+। आई होप सो कि आपको अब समझ में आ गया होगा, आई होप सो कि आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अब क्या होगा
कि ये अब आपका आर ओ एच के साथ अब ये आपका क्या करेगा बच्चों, रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका आर बी आर के साथ जब ये आपका रिएक्ट करेगा ओ माइनस एन ए प्लस, तो यहां पर ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एस एन टू पाथवे से। कौन से पाथवे से बच्चों, एस एन टू पाथवे से अटैक करेगा, जो कि मैंने आपको पहले बताया है। या बी आर की जगह यहां पर मैं एक्स लिख देता हूँ, आई होप सो कि आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, आर ओ आर, और यहां पर साथ में एन ए एक्स निकलेगा। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट स्टेप में मैंने यहां पर सोडियम एल्कोक्साइड बनाया, इसका नाम क्या होगा बच्चों, सोडियम एल्कोक्साइड बना दिया मैंने यहां पर। सेकेंड स्टेप में मेरा क्या प्रिपेयर हुआ बच्चों, ईथर का प्रिपरेशन हुआ। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो यहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको क्या ध्यान रखना है, यहां पर हमारा आर एक्स क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, आर एक्स एक तो हमारा 3 डिग्री आर एक्स कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां पर मैं इसको अलग से लिख देता हूं बच्चों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आर एक्स शुड नॉट बी 3 डिग्री। ठीक है, 3 डिग्री आर एक्स, आर एक्स आपका कौन सा नहीं होना चाहिए, तो 3 डिग्री आर एक्स नहीं होना चाहिए, या फिर यह आपका ये नहीं होना चाहिए, ये भी आपका नहीं होना चाहिए। इसको हम क्या बोलेंगे, फिनाइल हैलाइड, इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजीन हैलाइड, या फिर क्लोरोबेंजीन, या फिर फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, या फिर यहां पर हम बोल सकते हैं हेलोबेंजीन नहीं होना चाहिए, हेलोबेंजीन नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब एक और हम मैं यहां पर ले सकता हूं, यहां पर विनाइल विनाइल हैलाइड भी नहीं होना चाहिए, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CHX भी नहीं होना चाहिए। अब देखो ये क्यों नहीं होना चाहिए बच्चों, इसमें देखो 3 डिग्री में आपका SN2 पाथवे फॉलो नहीं करेगा, फॉर 3 डिग्री SN2 पाथवे नहीं होगा, 3 डिग्री में आपका SN2 पाथवे नहीं होगा। यहां पर आपका रेजोनेंस करने से ये आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, और जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस रिएक्शन मैकेनिज्म में ये आपका एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है, तो अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो ये आपका एज अ लिविंग ग्रुप बाहर नहीं निकलेगा। यहां पर भी आपका क्या आ जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो ये आपका एज अ लिविंग ग्रुप बाहर नहीं आएगा, मतलब डबल बॉन्ड की मतलब यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, दोनों में आपका यहां पर देखो ध्यान से, मैं इस केस की बात करता हूँ, ये केस आप अपने आप समझ जाओगे बच्चों। इस केस के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ये आपका एक्स है, यहां पर इस तरीके से मूव करेगा, तो अगर मैं इसका रेजोनेटिक हाइब्रिड बनाऊंगा तो आपका क्या बनेगा बच्चों, इसका रेजोनेटिक हाइब्रिड आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, यहां पर प्लस, यहां पर आपका माइनस, यहां पर माइनस, यहां पर माइनस, इस तरीके से बनेगा। अब यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो डबल बॉन्ड को डिसोसिएट करना काफी टफ होता है बच्चों, तो यहां पर क्या होगा, ड्यू टू द डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है, सी एक्स बॉन्ड कैन नॉट डिसोसिएट, कांट डिसोसिएट, मतलब आपके सी एक्स बॉन्ड को आप क्या नहीं कर पाओगे बच्चों, डिसोसिएट नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट यहां चलेगा। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं, यहां पर अगर आपसे पूछ सकता है, अगर मैंने इफ वी विल टेक 3 डिग्री हैलाइड, ठीक है, इफ इफ वी विल टेक 3 डिग्री हैलाइड, अगर मैंने 3 डिग्री हैलाइड लिया तो क्या दिक्कत आ जाएगी, देखो बच्चों ध्यान से, 3 डिग्री हैलाइड लूंगा तो 3 डिग्री हैलाइड में आपका SN2 रिएक्शन तो प्रोग्रेस नहीं होगा, लेकिन ये आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, ये आपकी किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह, किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह। अब ये आपका यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा, तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर आपका सी डबल बॉन्ड CH2, यहां पर आपका CH3, यहां पर आपका एल्कीन प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, एल्कीन प्रोडक्ट बनेगा। तो ध्यान रहे कि यहां पर आपका नहीं होगा, यहां पर आपका नहीं होगा, एक यहां पर नहीं होगा, और इसके बारे में आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। यहां पर कौन सा पाथवे को फॉलो करेगा बच्चों, ये एलिमिनेशन पाथवे को फॉलो करेगा, एलिमिनेशन पाथवे विल फॉलो,
एलिमिनेशन पाथवे आपका फॉलो करेगा, ठीक है बच्चों। जहां पर इसके केस में एलिमिनेशन पाथवे फॉलो करेगा और इन दोनों के केस में आपका रिएक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। इसी का एक और आप वेरिएशन समझ सकते हो बच्चों, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर मोलिकुलर विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। अब देखो यहां पर इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या होगा बच्चों, यहीं पर मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ बच्चों। आपको देखो बच्चों, यहां पर मैंने जैसा कि आपको बोला था कि अगर आपने हाइड्रोकार्बन को अच्छे से किया हुआ है और आपने हेलो एल्केन को अच्छे से किया है और हेलो एरिन को अच्छे से किया है, तो आपके पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब रिवीजन ही ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नए कॉन्सेप्ट के आने से, ठीक है। तो देखो इंट्रामोलिकुलर में क्या होगा बच्चों, ये मैंने इस तरीके से लिया, ठीक है, ये मैंने सीएल ले लिया, यहां पर मैंने OH ले लिया। इसकी रिएक्शन अगर मुझे NaCl के साथ करानी होगी तो कैसे होगा, सबसे पहले यहां पर क्या है बच्चों, एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोजन होगा मतलब एसिडिक पॉइंट होगा, और एसिड आपका मेटल के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा बच्चों, यहां पर Na+ बना लेगा, ये O-, ये इस तरीके से आपका Cl हो जाएगा। अब यहां से क्या होगा, ये आपका एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा और ये आपका न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा। तो देखो यहां पर 1, 2, 3, 4, तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, 4 मेंबर साइक्लिक रिंग बन जाएगी विद ऑक्सीजन। अब ये आप जानते हो कि इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम यहाँ पर साइक्लिक ईथर बोलेंगे, जो कि मैंने इपोक्साइड बोला था, साइक्लिक ईथर, इसी को तो मैंने इपोक्साइड बोला था बच्चों। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके और भी कंसेप्ट है, अच्छे से अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से धीरे 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 सब समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमको रिएक्शन को प्रोग्रेस करना है। काफी इजी है, ठीक है, काफी इजी कंसेप्ट है, तो आप समझ सकते हैं। अगर मैंने बोला कि यहां पर मैंने आपको बोला कि यहां पर रिएक्टेंट साइड क्या होगा, ये आपका रिएक्टेंट है, ठीक है, ए, और यहां पर आपका ये मैंने प्रोडक्ट बना दिया, देखो ये मैंने प्रोडक्ट बना दिया यहां पर ओ, ठीक है। फाइंड द ए मॉलिक्यूल आपका क्या होगा बच्चों, ठीक है, ये आपका एने के साथ रिएक्शन। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप लोगों को ट्राई करना चाहिए। देखो कैसे होगा बच्चों, इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहां पर एने ऑक्स इपोक्सी बन रहा है, इसका मतलब आप लोग चले जाओगे कहां, विलियमसन ईथर सिंथेसाइसिस रिएक्शन पे। अब आप लोग जानते हो कि हेलोजन हमेशा क्या होना चाहिए बच्चों, 1 डिग्री होगा तो ज्यादा अच्छा रिएक्शन होगा। बेस्ट सिंथेसाइसिस कैसे होगा, जब आपका हेलोजन क्या होना चाहिए, 1 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री हेलोजन आपका SN2 पाथवे इजिली देगा। तो यहां पर हेलोजन आपका कंडीशन क्या दिया बच्चों मैंने, यहां पर कंडीशन क्या हो जाएगी, हेलोजन विल बी 1 डिग्री, हेलोजन विल बी यहां पर मतलब हैलाइड विल बी 1 डिग्री, 1 डिग्री हैलाइड चाहिए मुझे, क्या चाहिए बच्चों, 1 डिग्री हैलाइड चाहिए। तो 1 डिग्री हैलाइड कब आएगा, जब अगर मैं इसको यहां से डिसोसिएट करूंगा, देखो इस पॉइंट को, इसको मैं यहां लिखता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर मैं इसको यहां से डिसोसिएट करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह यहां पर ये मैंने Cl लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर O की जगह H लिख दूं, अब देखो बच्चों हैलाइड आपका 1 डिग्री है तो इजिली अटैक हो जाएगा। तो मतलब इससे इसकी रिएक्शन अगर मैं Na के साथ कराऊंगा तो आपका 100% आपका ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी अच्छे क्वेश्चन है, अगर आप एक दो बार ट्राई करोगे तो आपसे हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब मैं एक दो क्वेश्चन और लाता हूँ, वो क्वेश्चन आपके लिए रिपीट भी हो सकते हैं बच्चों, लेकिन फिर भी आप लोग समझना। फाइंड द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट, मतलब आपको प्रोडक्ट का रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बताना है। देखो मैं कौन कौन सा प्रोडक्ट बना रहा हूँ बच्चों, देखो ध्यान से, ये मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, ये मेरा यहाँ पर मैंने CH3 लिया, ठीक है बच्चों, ये मैंने एक बनाया, इसकी रिएक्शन मैंने Na के साथ कराई थी, ठीक है बच्चों, Na के साथ कराई थी। अब देखो यहां पर मैं एक और, यहां पर ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ बच्चों, CH3 CH
ओ सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ठीक है। यहां पर मुझे क्या बनाना है बच्चों, एन ए के साथ रिएक्शन, ठीक है। थर्ड में क्वेश्चन लेता हूँ बच्चों, यहां पर सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री ओ सी एच थ्री, इसकी रिएक्शन मुझे एन ए के साथ कराना है, ठीक है। आपको क्या बताना है इन सबके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, इसका रिएक्शन मैंने जब एन ए के साथ कराया तो ये बना, इसका रिएक्शन मैंने एन ए के साथ कराया तो ये बना, इसका रिएक्शन मैंने सोडियम के साथ कराया तो ये बना, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसमें आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या क्या हो सकते हैं। देखो इसकी दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यहां पर इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है बच्चों, दो पॉसिबिलिटी। तो पहली में पॉसिबिलिटी वन लिखता हूं, ठीक है। पॉसिबिलिटी वन क्या हो सकती है बच्चों, पॉसिबिलिटी वन क्या हो सकती है बच्चों, बताओ। यहां पर मैंने अगर ये वाला पॉसिबिलिटी लिख दिया, ये आपका एक्स हो सकता है और ये आपका सी एच थ्री ओ एच हो सकता है, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बच्चों, दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी क्या हो सकती है बच्चों, यहां पर दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी ऐसी भी हो सकती है, ये आपका एल्कोहल हो जाए, ठीक है। ये आपका ओ एच हो जाए, सॉरी ये आपका क्या हो जाए, फिनोल हो जाए, और यहाँ पर सी एच थ्री एक्स हो जाए। अब बताओ कौन सी पॉसिबिलिटी आपकी ज्यादा ज्यादा सही होगी बच्चों। जैसा कि मैंने आपको बताया था हेलो बेंजीन आपका नहीं हो सकता, तो पॉसिबिलिटी फर्स्ट आपका कहाँ रॉन्ग हो गया, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हेलो बेंजीन, यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा, इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी क्या होगी बच्चों, गलत होगी। तो ये आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होगा बच्चों, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया। सबसे पहले एनए के साथ रिएक्ट करेगा और स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा, और स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा या फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनाएगा, तो ये आपका CH3 पे SN2 अटैक करके ये वाला प्रोडक्ट बना लेगा। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके लिए देखते हैं बच्चों, इसके लिए मैं लिखता हूँ बच्चों पॉसिबिलिटी वन, आप लोग भी साथ में लिखो ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। पॉसिबिलिटी वन की अगर मैं बात करूंगा तो क्या हो सकता है बच्चों, देखो यहां पर मैंने अगर CH3 CH2, इसको CH2 कर लेना, CH2OH कर दिया पहली पॉसिबिलिटी, और दूसरी पॉसिबिलिटी CH2 डबल बॉन्ड CHX, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी में क्या होगा बच्चों, उल्टा कर दो, सेकंड पॉसिबिलिटी में जस्ट इसका रिवर्स कर दो बच्चों, तो क्या होगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH, यहां पर CH3 CH2X, ठीक है बच्चों, ये हो सकता है पॉसिबिलिटी। अब देखो ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी पॉसिबल नहीं है, क्यों, यहां पर भी आपका क्या आ गया बच्चों, ठीक है, तो ये वाली नहीं हो सकती। तो कौन सी पॉसिबिलिटी होगी बच्चों, ये वाली पॉसिबिलिटी होगी। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं बच्चों, इसमें भी आपके दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होने की क्या बच्चों, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी वन देख लेते बच्चों। तो पॉसिबिलिटी वन में अगर मैंने ऐसा बना दिया CH3CH CH3OH और यहाँ पर CH3X, या फिर मैंने पॉसिबिलिटी टू यहाँ पर मैंने क्या बना दिया बच्चों, पॉसिबिलिटी टू हम समझ लेते हैं अच्छे से। पॉसिबिलिटी टू पर मैंने यहां पर बना दिया CH3 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 X और यहां पर CH3 OH, ठीक है। अब देखो मैंने जैसा कि आपको बताया था 3 डिग्री हेलोएन कभी भी आपका ईथर नहीं बनाएगा, वो आपका क्या बना लेगा बच्चों, बाय एलिमिनेशन रिएक्शन आपका ये एल्किन प्रोडक्ट बनाएगा। तो पॉसिबिलिटी टू से नहीं प्रोसीड होगा, ये आपका पॉसिबिलिटी वन से प्रोसीड होगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने थे इस क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों, काफी इजी कंसेप्ट है। इसके अलावा मैंने एक और मेथड आपको बताया था जो कि आपको याद होगा, सिक्स रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद ड्राई Ag2O। ये मैंने आपको बताया था कि ड्राई Ag2O के साथ, तो जब भी आपका Rx2 मोल जब भी आपका Ag2O मतलब ड्राई Ag2O के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका किसका फॉर्मेशन कर देगा बच्चों, ईथर का। आई होप सो कि आपको सारे प्रिपरेशन मेथड अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और कुछ रिएक्शन तो ऐसे थे जो आपके फिर से रिपीट हुए, ठीक है। तो जो रिएक्शन आपके फिर से रिपीट हुए उसमें तो अच्छी बात है, लेकिन जो रिएक्शन आपके रिपीट नहीं हुए और वहां पर जो रिपीट हुए उसमें क्या आपको चेंजेस है, देखो H2O की जगह हमको एल्कोहल मॉलिक्यूल को यूज करना है, ठीक है। आई होप सो कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू सो मच।